पैरी, और ये कंपनी लाने का रीजन भी है, कल मैंने कुणाल जी और राकेश जी को सुना था ये स्टॉक, उन्होंने भी कल दिया और मेरे भी बहुत दिनों से रडार पे। मैं कई बार वो बोलता हूँ मैं जेम्स का पिटारा रखता हूँ इसमें, बहुत नीचे के लेवल से मैं देख के रखा हुआ था, बट शुगर स्टॉक्स नहीं चल रहे थे या ऑटो ज्यादा चल रहे थे तो उनको दिया। और मैंने ईआईडी पैरी आज चुनने का रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ईआईडी पैरी जैसी जिंदगी मेरे जेम्स को भी लग जाए, हमारे जो जेम्स है वो ऐसे ही चले। ये कल कुणाल जी ने और राकेश जी ने बहुत बढ़िया बताया कि इट इज द ओल्डेस्ट लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, एंड इन्होंने साथ में एशिया भी बोला, जो कि मतलब बहुत ही बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और ईआईडी पैरी की खास बात बताऊं, 1788 में ये कंपनी आई थी और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी, जो मतलब बिजनेस वेंचर इन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। फर्स्ट शुगर कंपनी है इंडिया की, 1842 में कंपनी स्टार्ट की, एंड अर्लीस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट शुगर मैन्युफैक्चर टू स्टार्ट अ डिस्टिलरी 1843, फर्स्ट शुगर मैन्युफैक्चरर टू इनिशिएट अ फार्मर सेंट्रिक मॉडल, मतलब इस तरीके के फर्स्ट इस कंपनी के पास है। और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, न्यूट्रासिटिकल्स में है, पेरी प्योर इनकी एक बेहतरीन शुगर है, और प्लस फर्स्ट टू प्रमोट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन द कंट्री। आज फर्टिलाइजर हमारे सबके फेवरेट स्टॉक, और इंडिया में फर्टिलाइजर्स की देखते हैं किस तरीके की डिमांड और एग्रेरियन इकोनॉमी में। और कोरामंडल इंटरनेशनल जो कि इनकी लिस्टेड पेरी ईआईडी पेरी की ग्रुप कंपनी है, सो इस तरीके की पेडिग्री एक कंपनी की होना, मतलब इसलिए मैंने इसको जानबूझ के मैं लाया हूं। और ये स्टॉक को ऐसा नहीं मैंने जेम्स में कवर नहीं किया, मगर मैंने अदर सेगमेंट्स में कवर किया हुआ है, और सिर्फ 10 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है स्टॉक। 2% का डिविडेंड यील्ड देता है कंपनी, करीब 36-37% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, और अच्छी खासी ग्रोथ, मतलब पिछले अगर 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो 80% की इस तरीके की प्रॉफिट की ग्रोथ दी है। और मार्च का क्वार्टर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स इन्होंने दिया है, मार्च 2022 का मई का आना बाकी है, जून का आना बाकी है, 303 करोड़ का पैट, इस तरीके के रिजल्ट्स। और जनरली पिछले 3-4 क्वार्टर में गजब का काम किया है, 250 करोड़, 225 करोड़ इस तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी है। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईएस डीआईएस सर्टेनली बहुत भरोसा करेंगे, करीब 15% 12-13-14% के लगभग एफआईएस डीआईएस है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स में निवेश करें, और आराम से जो टारगेट्स है वो करीब 625 का शॉर्ट टर्म में लगाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बेचना नहीं है, होल्ड करते हुए चल सकते हैं। 625 के टारगेट के लिए यहां पर इस स्टॉक को खरीद कर चले, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें।